जहां से परेड चलेगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगी, कोई दिल्ली में नहीं बैठेगा, कोई ऐसी योजना नहीं है, हमें लंबा शांतिपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष करना है। दो दिन का रिंग रोड मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है कोई एक सिंगल रूट नहीं है, ये सारी की सारी परेड किसी एक सिंगल रूट पे नहीं चल सकती, अलग अलग जहां से एंट्री पॉइंट होगा उसका अलग अलग रूट होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल रूट पे चलेगी तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी ये परेड, तो अलग अलग जगह के अलग अलग रूट बने हैं जो कि घूम के वापस उसी पॉइंट पे खत्म होंगे, और कल सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे, नक्शा है लेकिन पक्का नहीं है इसलिए मैं शेयर नहीं। पांच अलग अलग रूट हैं, ये सिंघू बॉर्डर का अलग रूट है, टिकरी बॉर्डर का अलग रूट है, गाजीपुर बॉर्डर का अलग रूट है, शाहजहांपुर का अलग रूट है, पलवल का अलग रूट, पांच रूट का सारे अलग रूट, बाकी सारे शेयर करेंगे हम। सवाल पूछना, दो सवाल पूछना चाहते हैं, एक तो टाइम, दूसरा रूट। टाइम का जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है, तो ऐसे में कोई लिमिट, बार बार पहले पुलिस की तरफ से आ रहा था कि आप लिमिट कर दो इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है, जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहां जहां पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे, सब आगे बढ़े, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे, उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है, थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। वैसे भी सारी सब खबर आज मिल गई, सारी किलोमीटर हमें दिल्ली में परेड कम से कम 100 किलोमीटर, 100 से ज्यादा एक्चुअली, 100 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड, और अलग अलग पॉइंट्स से चलेगी, और वैसे भी सारी खबर आज आ गई तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा। सर वापस आएंगे क्या फिर? साथियों, पिछले 5 दिन से हमारा ये 5वां राउंड बातचीत का था, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप ऑफिसर्स के साथ। जैसा आप सब जानते हैं, 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस किया था कि हम रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पर सहमति बन गई है, कुछ छोटे छोटे डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे, मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से बहुत दुख के साथ इंतजार किया है, और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही, लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे, और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी, शांतिपूर्वक होगी, और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। युद्ध जिन्हें सारे जान गए।
ये 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक चलेगी परेड, जितने डायरेक्टर होंगे सभी शामिल। ज्यादा बात तो युद्धवीर जी ने और यादव जी ने बताई दी है, और यही जो अंदर पास हुआ है उस पे जहाँ सहमति बनी है थोड़ी सी रूट के पॉइंट की है, वो कल तक हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं, और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई है। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि वो अपने आप हटा के, लेकिन एक रूट जो है वो तय कर देंगे और उस रूट के ऊपर हम पूरी स्वतंत्र परेड उस दिन। जो पांचवें दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग इतिहास लिखते हैं, और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। और ये देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी, और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा, ये बहुत बड़ी परेड होगी। और ये हम जीत सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी, और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं, किसान किसान होगी, और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चिडूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए वो जो ट्रैक्टर है ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो, कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाए खूबसूरत, जो हमारी किसानों की हमारी दशा को दिशा को बयान करती हो, झांकियां भी बनाकर लेके आए। बड़ी गिनती में आइए और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए, और बड़ी गिनती में आइए, और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। मीडिया के साथी, मीडिया के साथी बताया है कि हमारी सहमति बन गई है, करीब करीब जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट हो गए, कहीं कहीं मामूली जो चेंजेस हैं रूट में वो फाइनल जो नक्शा सुबह सबके सामने प्रेस मीडिया को बता दिया जाएगा, और किसानों को भी तक संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा कि कौन से बॉर्डर से किस रूट पे हम जा रहे हैं और कहां कहां हम पहुंचेंगे। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था जो हमको बैरिकेड पे रोका गया था, और हमने ये कह दिया था कि 26 तारीख को ये बैरिकेड नहीं होंगे, पुलिस हटाए, पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। अंततः किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं, और जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। रूट के